हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो गए। आज की वीडियो हमारी उस टॉपिक पर जिसकी बहुत ज़्यादा कमेंट्स और रिक्वेस्ट आ रही थी। मैक्सिमम बच्चे ये पूछ रहे थे कि रेडियोलॉजी करने के बाद हम कौन कौन से इक्विपमेंट या मशीन्स होती है जिनके ऊपर हम काम करते हैं, या कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं जिनको हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है इंटर्नशिप के टाइम पर। तो आज की वीडियो में मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगा कि हमको रेडियोलॉजी के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट चलाने सिखाए जाते हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि रेडियोलॉजी एक अच्छा स्कोप है नहीं है। भाई, रेडियोलॉजी पैरामेडिकल का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग स्कोप है और उसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। अब ये आपके ऊपर है, आपकी स्किल के ऊपर है कि आपके पास कितनी नॉलेज है और आपको कितना काम आता है, तो उसी के बेसिस पर आपकी जॉब लगती है या जो भी होता है, बट स्कोप तो है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। अब ये मेरे फोटो को आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना। इसके बाद हम खोलते हैं BMRIT का सिलेबस। ये अटल बिहारी वाजपेयी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसका सिलेबस है। इसके सिलेबस के अंदर इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि इंटर्नशिप के टाइम पे कौन कौन से इक्विपमेंट आपको सिखाए जाएंगे और कितना टाइम किस इक्विपमेंट को देना है। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी अटल वालों की, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में देखा है कि लोग MRI या इनके लिए अलग से पैसे पे करते हैं सीखने के लिए, बट इसमें आपको प्रॉपर टाइम दिया है जिसमें आपको किसी से भी अलग से कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ आप सीखोगे अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे सीखोगे। बट इसकी ये है कि इंटर्नशिप इसमें 6 महीने की जगह 1 साल की कर रखी है इसमें, लेकिन बट आपका बेनिफिट है, आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी और आपको एक अच्छी जगह से किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी जहाँ पर ये सब डायग्नोस होते हैं अच्छा खासा इंटर्नशिप या प्रैक्टिस मिलेगी। तो अब मैं नीचे आ रहा हूँ इंटर्नशिप वाले सेक्शन में और ये अब इसके बाद शायद वही होगा। तो मैं नीचे आया, ये इसके बाद ये सेमेस्टर के बारे में दिया है। 8 सेमेस्टर हैं इसमें आपके कोर्स में, 3 साल का कोर्स है और 6 1 साल की इंटर्नशिप है। उसके बाद ये आया इंटर्नशिप का सेक्शन। इंटर्नशिप के सेक्शन में इन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि 1 साल की इंटर्नशिप हर बच्चे को करनी ही कही है कहीं हॉस्पिटल या कॉलेज से जहाँ पे वेल डायग्नोज रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होगा। इसमें पहली जो इन्होंने बोला है वो है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, जिसके अंदर आपको जनरल रेडियोग्राफी और डार्क रूम की प्रोसेसिंग सिखाई जाएगी। इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ कि डार्क रूम की प्रोसेसिंग मे भी आपको नहीं सिखाई जाए, क्योंकि अब वो गया जमाना, वो हमारा पास था जो था डार्क रूम, क्योंकि अब मैक्सिमम जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पे डार्क रूम तो नहीं हो रहा। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है CR और DR और PECS, ये भी आपको 2 महीने के अंदर सिखाया जाएगा और 2 महीने के लिए आपको प्रोसीजर बेलियम सेलो ये सब सिखाए जाएंगे फ्लोरोस्कोपी पे। उसके बाद आपको 1 महीना का अल्ट्रासोनोग्राफी सिखाई जाएगी, पता नहीं क्यों बट ये हमारे कोर्स में है नहीं वैसे देखा जाए, बट फिर भी ये भी आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद आपको 2 महीने के लिए डॉपलर इमेजिंग सिखाई जाएगी और 2 महीने के लिए CT स्कैन। उसके बाद आपको 2 महीने के लिए MRI सिखाया जाएगा। तो आप लगा लीजिए, जो बच्चे ये कहते हैं कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, जब आप इतने सारे इक्विपमेंट सीखोगे तो ये आपके ऊपर है कि आपको लगभग सब इक्विपमेंट के ऊपर काम आना चाहिए, और अगर आपको काम आएगा तो डेफिनेटली जॉब मिले। अभी इसके कोने में एक छोटा सा इक्विपमेंट और रह गया जिसका नाम है बोन डेक्सा, वो भी इसमें मेंशन है, वो भी सिखाया जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड या वैसे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।